इसराइल तेने करो जयंती मुड़ जाम, ना जिमरे तेने करी हती निजाम। इसराइल तेने ना जिमरे तेने, इसराइल तेने करो जयंती मुड़ जाम, बाबा का तेने करी हती। आपको लिए चलते हैं आज हथीन विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां से पूर्व संसदीय सचिव मरहूम बाबा जलेब खान का बेटा चौधरी इसराइल खान कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। चौधरी इसराइल खान का रोड शो जब हथीन शहर से निकला तो लोगों के दल बादल छा गया, और जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र की ओर काफिला बढ़ता गया, ठीक वैसे वैसे ही जनता का हुजूम बेइंतहा उमड़ता गया। लगभग 30,000 लोगों की भीड़ देखकर विरोधी नेताओं के होश उड़ गए। इसराइल तेने ना जिमरे तेने करो जयंती मुड़ जाम, बाबा का तेने करी हकीन जाम। नमस्कार आदाब, मैं हूँ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के जितने भी ऐसे कांग्रेसी कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीत रहे हैं या जीत की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें से एक नाम सबसे ऊपर चौधरी इसराइल साहब का भी सुर्खियों में आ रहा है। हथीन विधानसभा क्षेत्र से इस बार चौधरी इसराइल खान की ऐतिहासिक विशाल जीत होने जा रही है। इनके रोड शो में एक खास दृश्य देखा गया। दोस्तों, चौधरी इसराइल के काफिले में हिंदू और मुसलमानों दोनों मिलजुल कर बड़ी तादाद में नजर आए। दोनों समाजों के लोग यह ठान चुके हैं कि इस बार विधायक चौधरी इसराइल खान को ही बनाना है। हमने लगभग 30 गांव की ग्राउंड रिपोर्ट ली है, जिस ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला है प्रत्येक गांव से 70-80% वोट अकेले चौधरी इसराइल के पाले में जा रहे हैं। इसराइल साहब से जब पूछा गया कि जब यह भीड़ कहां से आ रही है या जन समर्थन इतना ज्यादा कैसे आपको मिल रहा है, इसराइल साहब ने बताया कि मैं पिछले 10 सालों से लगातार जनता के बीच उनकी समस्याओं का समाधान करने जाता रहा हूं। मैं हमेशा 36 बिरादरी के लोगों को अपनी चौखट पर इज्जत दी है, बस यही कारण है जो जनता आज मुझे हथीन से आगामी विधायक देखना चाहती है। 36 बिरादरी की रह के ले एजाज भाई लाणो एमएलए रॉक स्टार सुबीन सायर बोले सारे आम। इसराइल तेने बाबा का तेने जई रे तेने करो जयंती मुड़ जाम, नाजिम रे तेने करी हकीन जाम। यह शब्द चौधरी इसराइल खान के थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि हथीन विधानसभा क्षेत्र से चौधरी इसराइल के मुकाबले में कोई प्रत्याशी मैदान में इस बार नहीं है। जब आप इस काफिले को देखिए, यह काफिला मरहूम बाबा जलेब खान के बेटे चौधरी इसराइल खान का है। 2009 के चुनाव में बाबा जलेब खान लगभग 10,000 वोटों से निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके साहबजादे चौधरी इसराइल खान कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। इसलिए सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे पता चला है कि इस बार 25,000 से ज्यादा वोटों से चौधरी इसराइल खान की फतेह हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्षद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। इसराइल तेने ना जिमरे तेने, इसराइल तेने करो जयंती मुड़ जाम, बाबा का तेने करी हकीन जाम। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।